हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आइए देखते हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, तो ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। कह रहा है किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, तो प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? तो फार्मूला होता है ई बराबर वी आई टी। हमसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, पूछ रहा है समय, कितने समय तक कार्य करेगा। तो टी बराबर हो जाएगा आपका ई अपॉन में वी आई। आपको ये वाला फार्मूला पता ही है, वी बराबर आई इंटू आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर निकालेंगे इसको तो वी बाई आर हो जाता है। कुछ लड़के नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। जैसे आई, अगर आई को यहाँ पे रखेंगे तो ये भी के नीचे आर आ जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़ सही दिखने में सही लगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब आइए देखते हैं, टी बराबर ई का वैल्यू दिया है 1 किलोवाट घंटे। तो अभी नहीं, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी इसको सही करते हैं। ई बराबर, ठीक है, बी और आई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे बी बाई आर। अब आगे समझिए, ठीक है? अब यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर, अब ये आर जो है इसके ऊपर चला जाता है, ये यहाँ पे थोड़ा मैथ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बी इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ई की वैल्यू दिया हुआ है 1000 गुणे, आर की वैल्यू दिया है 500 ओम, ठीक है, बटा। अब यहाँ पे देखिए वी की वैल्यू दिया है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट जो है ये, अब इसको काटेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मतलब तीसरा जीरो कट गया इसमें, तो कितना आ गया, 50, ठीक है। समय कितना आ गया, 50। तो ये कितने घंटे तक चलेगा, 50, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर में संबंधित दो एक जैसे बल्ब जो है 200 वोल्ट से स्रोत से लगे हैं। ये 200 नहीं है, 240 है, ठीक है, स्रोत से लगे हैं, तो प्रत्येक बल्ब पर वोल्टेज क्या होगा, पूछ रहा है प्रत्येक। तो याद कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि घरों में जो वायरिंग होती है, जो घरों में वायरिंग होती है वो समांतर में होती है, जिसको इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, जैसे जो झालर होता है वो श्रेणी में बना होता है, झालर किस में बना होता है, श्रेणी में, ठीक है। और जो घर की वायरिंग होती है वो पैरेलल में होता है। अब कह रहा है समांतर में जुड़ा है दो बल्ब, तो पूछ बता रहा है कि एक बल्ब का 220 240 वोल्ट है, तो कह रहा है कि मतलब दूसरे वाले बल्ब में क्या वोल्टेज होगा, तो ये समझिए कि उसका भी 240 ही होगा, ठीक है। क्योंकि जब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, धारा प्रवाहित होती है किस तरफ, फ्लो होती है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ धारा जो है फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रैंडमली, जैसे ये लिख दिया यादृच्छिक, तो ये जो है रैंडमली, जो है रैंडमली पता चल रहा है ना, इधर उधर कहीं से भी आ जा सकता, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑप्शन गलत है, पॉजिटिव टू निगेटिव, इसका ऑप्शन ये सही है, ठीक है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक, और इसका ऑप्शन ये सही, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये वाला न्यूमेरिकल 2016 में पूछा हुआ था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 50 घंटे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। धन्यवाद।